Hi everyone, welcome to my kitchen. Today I'm very excited to share with you two types of red sauce recipe. So let's get started. First recipe, मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज के लिए रेड चटनी. मोमोज चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए टोमेटो, ड्राई चिली, गार्लिक, जिंजर, सॉल्ट, सोया सॉस. स्पाइसी लेवल को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा शुगर. यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है. इसमें अब मैं दो टोमेटो डाल देती हूँ, 5-6 रेड ड्राई चिली. टमाटर बॉईल हो गया है, इसका स्किन निकलना शुरू हो गया है, देख सकते हैं. हीट को बंद कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं. चिली को इसमें से निकाल लेते हैं. आप इस पानी को बाद में वापस किसी भी चीजों में यूज कर सकते हैं, चाहे सब्जी बनाने के लिए, राइस बनाने के लिए. चिली इसको निकाल लिया है, अब टोमेटो को भी निकाल लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख लेते हैं. ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके स्किन को रिमूव करेंगे. मैंने टोमेटो को पील कर लिया है. अब मैंने इस ग्राइंडर में ये टोमेटो साथ में जो चिली है ये भी मैं डाल देती हूँ इसमें. आप चाहे तो सीड्स निकाल सकते हैं. 1/2 इंच अदरक का एक पीस मैं इसमें डाल देती हूँ और मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक. मैंने 3 क्लोव्स ले लिया है. 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देती हूँ और इसमें मैं अब 3/4 स्पून सोया सॉस मिला देती हूँ. अब इसका मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ. सॉस को मैंने टेस्ट करके देख लिया है, थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून शुगर मिला देती हूँ और एक बार मैं ग्राइंड कर लेती हूँ. सॉस बनके तैयार हो गया है. अब मैं इस बोल में सॉस को डाल लेती हूँ. आप देखिए इसमें मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कोई भी पानी नहीं मिलाया इस सॉस को बनाने के लिए. टोमेटो इतना जूसी था कि उसके पानी से ही ये सॉस बिल्कुल बन गया है. मोमोज के लिए सॉस बन के तैयार हो गया है. अब चलिए अब हम सेकेंड सॉस की तरफ चलते हैं. ये बहुत ही पॉपुलर सॉस है, इसका नाम है पेरी पेरी. पेरी पेरी सॉस बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स है रेड बेल पेपर. तो मैंने यहाँ पे एक रेड बेल पेपर को चॉप करके रख लिया है. एक छोटा सा स्मॉल ऑनियन को भी चॉप कर लिया है. गर्म पानी में 30 मिनट्स के लिए सोक करके रख दिया था ड्राई चिली को. 3 गार्लिक के क्लोव्स ले लिया है. 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया है. सॉल्ट, सोया सॉस चाहिए तो मैंने सोया सॉस ले लिया है. 3/4 टीस्पून सोया सॉस चाहिए एंड विनेगर. प्रिजर्वेटिव के लिए हम लोग इसमें विनेगर यूज करेंगे. इस सॉस को आप बना के काफी दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं. सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मैं एक फाइन पेस्ट बना लूंगी. सॉल्ट डाल देती हूँ. 3/4 टीस्पून मैं इसमें सोया सॉस डाल देती हूँ. 2-3 टीस्पून मैं विनेगर डाल देती हूँ. सॉस बनके तैयार हो गया है. अब हम इस बोल में इसको डाल देते हैं. देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बन गया है. मैंने 2 टाइप के सॉस बना के तैयार कर लिया है. मोमोज के सॉस जो कि मैंने टोमेटो के साथ बनाया है और पेरी पेरी जो कि मैंने रेड पेपर के साथ बनाया है. दोनों सॉस का कलर ऑलमोस्ट सेम लग रहा है बट टेस्ट वाइज बोथ आर वेरी डिफरेंट. टूडेज रेसिपी सो ईजी, एनीबडी कैन मेक दिस सॉस. आप मोमोज जब भी बनाएं तब इस सॉस को ज़रूर बनाएं एंड गार्लिक की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहेंस हुआ है. कैसे पेरी पेरी सॉस को हम यूज़ कर सकते हैं मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी. आपको अगर कोई पर्टिकुलर रेसिपी देखना है तो आप ज़रूर मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में. I will try to make those recipes. We'll see you next time. Till then, don't forget to check my other recipes. Eat fresh, stay healthy. Bye.